टीवी इंडस्ट्री ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां जितनी जल्दी सितारे सुर्खियां बटोरते हैं उतनी ही जल्दी लाइमलाइट से गायब भी हो जाते हैं। अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको एक ऐसी ही स्ट्रगल स्टोरी सुनाने वाले हैं। स्ट्रगल स्टोरी बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट अगले जन्म मोहे बिटिया ही कीजो से पॉपुलर हुई टीवी एक्ट्रेस रतन राजपूत की। रतन राजपूत बीते कई सालों से डिप्रेशन से गुजर रही थी। एक्ट्रेस अपने पिता के निधन के बाद पूरे तरीके से अकेली हो गईं। साल 2018 में रतन राजपूत के पिता का निधन हुआ था जिसके बाद वो डिप्रेशन में चली गईं। रतन राजपूत ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से भी जूझी जिसका असर उनकी आंखों की रोशनी पर पड़ा। एक्ट्रेस ने एक मीडिया इंटरैक्शन के दौरान खुद बताया कि कैसे उनके पिता को हुए कैंसर की खबर ने उन्हें तोड़ कर रख दिया था। एक्ट्रेस ने कहा, पापा को कैंसर था, डॉक्टर्स ने हमें सिर्फ एक महीने का टाइम दिया था, मेरे लिए वो बहुत शॉकिंग था। बीमारी का पता चलते ही मैं उन्हें पटना से मुंबई ले आई। मैं समझ नहीं पाई कि इतनी जल्दी सब कुछ कैसे हो गया, मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। मैं पापा के साथ ज्यादा वक्त बिता ही नहीं पाई, बस आखिरी के 3 महीनों को मैंने पापा के साथ सेलिब्रेट किया। उनके जाने के बाद मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई, मैं डिप्रेशन का शिकार हो गई। पता ही नहीं चला कब मेरे मन पर इसका इतना गहरा असर पड़ा। डिप्रेशन के साथ साथ मैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का भी शिकार हुई। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, लेकिन इसके तले पूरी जिंदगी बिता नहीं सकते। ऐसे में मैंने खुद पर काम करना शुरू किया, काम से ब्रेक लिया और खूब घूमा। वहीं इस मुश्किल दौर में इंडस्ट्री के सपोर्ट पर बात करते हुए एक्ट्रेस ने कहा कि हमारी इंडस्ट्री बहुत प्रैक्टिकल है, यही वजह है कि मैंने अपनी बीमारी के बारे में किसी से ज्यादा बात नहीं की। गलतफहमी के कारण कई रिश्तों में दूरी आ जाती है। वैसे ये भी सच्चाई है कि एक वक्त में मेरे कई दोस्त हुआ करते थे, लेकिन जब बुरा वक्त आया तो सबने कदम पीछे ले लिए। मेरे टफ टाइम में मुझे सिर्फ सुप्रिया पिलगांवकर से बहुत सपोर्ट मिला। मैंने उनके साथ अपना पहला शो राधा की बेटियां किया था। जिस तरह उन्होंने मुझे समझा, मैं उनकी हमेशा आभारी रहूंगी। सुप्रिया और उनका परिवार मेरे लिए फैमिली जैसा है। तो वहीं एक्ट्रेस ने अपने स्वयंवर पर भी बात की। एक्ट्रेस ने बताया कि कैसे स्वयंवर होने के बावजूद वो अकेली रह गई। रतन ने कहा, मेरे स्वयंवर की यादें बहुत अच्छी हैं, हालांकि उस वक्त मैं थोड़ी नासमझ थी। कुछ साल बाद अगर मैं वो शो करती तो शायद कुछ अच्छा होता। सच कहूं तो उस वक्त मेरी जिंदगी किसी फेरी टेल से कम नहीं थी। एक्ट्रेस ने ये कहते हुए अपनी बात को खत्म किया कि पापा के जाने के बाद बहुत कुछ बदल गया। परिवार में सब चाहते हैं कि मैं शादी करके अपना घर बसा लूं। उन्हें लगता है कि शादी से ही हमारी जिंदगी पूरी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं बिना पार्टनर के भी खुश हूं और अब मैं अकेले ही रहना चाहती हूं। जी हां, डिप्रेशन से लड़कर अदाकारा अकेले रहना भी सीख गई है। इसीलिए कहते हैं कि ठोकर सब सिखा देती है। फाइनल कट, न्यूज डेस्क।